उच्चतम न्यायालय नीट और जेई मुख्य प्रवेश परीक्षा ने मंजूरी दे बारा आदेश रे खिलाफ दायर पुनर्वाचिका ने कीनो रद्द। 6 राज्य रा मंत्री दायर की नहीं पुनर्विचार याचिका। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आईपीएस प्रशिक्षु अधिकारियों के साथ कीनो संवाद। 131 प्रशिक्षु आईपीएस अधिकारियों में 28 महिला अधिकारी भी है शामिल। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कनिष्ठ लिपिक भर्ती परीक्षा 2018 रा खाली पदा माथे भर्ती करवारा दिया निर्देश। रीट 2018 परीक्षा लेवल 2 रा पात्र अभ्यर्थियों री दूसरी प्रतीक्षा सूची जारी करवारो भी लियो गयो फैसलो। जलदाय और ऊर्जा मंत्री डॉक्टर बी डी कल्ला जन घोषणा पत्र ने लागू करवारी प्रगति की समीक्षा बैठक। बैठक में स्कूल शिक्षा और चिकित्सा और स्वास्थ्य स्थिति के मुद्दा माथे करी गई चर्चा। और प्रदेश में तेज बिरखा रो दौर जारी। मौसम महकमो आवता 24 घंटा में कई जिला में तेज बिरखा होबारी दीनी चेतावनी। नमस्कार, राजस्थानी समाचार में आप स्वागत और अब समाचार विगतवार। उच्चतम न्यायालय नीट और जेई मुख्य प्रवेश परीक्षा ने मंजूरी देवारा आदेश के खिलाफ दायर पुनर्विचार याचिका ने रद्द कर दियो है। 6 राज्य रा मंत्री इन खातर उच्चतम न्यायालय सु आपरा आदेश माथे फेरू विचार करवारी अर्ज की नहीं। जस्टिस अशोक भूषण, जस्टिस बी आर गवई और जस्टिस कृष्ण मुरारी री बेंच आज जनसुनवाई रे पाछे पुनर्विचार याचिका रद्द कर दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी में रखा गया दीक्षांत परेड जलसा में 2018 बैचरा भारतीय पुलिस सेवा रा प्रशिक्षु अधिकारियों रे साथ संवाद कीनो। 28 महिलाओं में से 131 आईपीएस प्रशिक्षु अकादमी प्रशिक्षण रा पहला चरण में 42 सप्ताह रो पाठ्यक्रम पूरा कीना है। आपरा संबोधन में प्रधानमंत्री पुलिसकर्मियों की तारीफ करता थका कहो कि कोरोना संकट में पुलिसकर्मी शानदार काम कीना है। कोरोना के कालखंड में देश के हर कोने में खाकी वर्दी के लोग जब गीत गाते हैं, गीतों के द्वारा लोगों को शिक्षित करने का प्रयास करते हैं, खाकी वर्दी के लोग फुटपाथ पर बैठे हुए लोगों को खाना पहुंचा रहे हैं, पानी पहुंचा रहे हैं, खुद रिस्क लेकर के कोरोना के मरीज को ले जाते हैं, ये दृश्य देश ने देखे हैं। एक मानवीय चेहरा हमारी खाकी वर्दी का लोगों के मन में स्थिर हो चुका है। अब हम लोगों का जिम्मा है कि कोरोना वायरस के संकट के काल में भी जिस प्रकार से खाकी वर्दी का जो भीतर पड़ा हुआ मानवता का अंश था, जो कभी कभी टुकड़ों में दिखता था, वो एक संगठित स्वरूप में नजर आया है। ये बहुत बड़ी पूंजी है। आज की जिंदगी में इतनी आपाधापी है और जिसके कारण तनाव भी रहता है, वर्कलोड भी रहता है, प्रेशर रहता है और हर किसी को रहता है, जीवन का ये हिस्सा है। लेकिन ये ऐसी चीज नहीं है कि जिसको मैनेज न किया जा सके। अपने व्यक्तित्व को, अपनी क्षमताओं को और अपनी जिम्मेवारियों को अगर बहुत संतुलित तरीके से समझ करके हम व्यवस्था करते हैं तो आप देखिए, आप बड़ी आसानी से चीजों को मैनेज कर सकते हैं। तनावपूर्ण जीवन जीने वालों को हमेशा आग्रह करता हूं, योगा प्राणायाम ये बहुत ही सिद्ध, आपने अनुभव किया होगा कि अगर मन से करते हैं, पूरा मन उसमें जोड़ देते हैं, कितना बेनिफिट करता है। और तब जाकर के आपको ये तनाव का भी महसूस नहीं होगा, काम कितना ही होगा आप हमेशा प्रसन्न और आनंदित होंगे। हमें भूलना नहीं चाहिए कि हम एक डेमोक्रेटिक व्यवस्था में हैं, लोकतंत्र में दल कोई भी हो, जनप्रतिनिधि का एक बड़ा महत्व होता है। जनप्रतिनिधि का सम्मान मतलब मैं लोकतांत्रिक प्रक्रिया का सम्मान करता हूं।
उसके साथ हमारे डिफरेंसेस हो तो भी उसका एक तरीका होता है, उस तरीके को हमने अपनाना चाहिए। समाज की शक्ति कितनी जबरदस्त है, सरकार से भी अनेक गुना शक्ति समाज में होती है। हम शासन व्यवस्था में जन शक्ति को जितना जोड़ने की आदत डालेंगे, इवन इन पुलिसिंग आप देखिए, हमारी सरलता भी बहुत बढ़ जाएगी, हमारे विश्वास का व्याप भी बढ़ेगा और हम बहुत ही कम एफर्ट से मैक्सिमम रिजल्ट ले पाएंगे और उसमें हिस्सेदार होने वाला हर नागरिक ये सक्सेस को अपनी सक्सेस मानेगा। जब ये स्थिति बनती है तब शासन की, शासन में बैठे हुए अधिकारियों की, हमारे मुलाजिमों की ताकत अनेक गुना बढ़ जाती है। प्रदेश में आज कोरोना का 738 नवा मामला सामू आया है, जिनके साथ ही प्रदेश में कोरोना संक्रमित मरीजों का आंकड़ो 86,965 तक पहुंच गया है। स्वास्थ्य महकमा मुजब आज सबसे बता 148 मामला जयपुर में पाया गया, इनके अलावा जोधपुर में 111 और कोटा में 107 मामला सामू आया है। महकमा मुजब आज 7 लोगों की मौत होबारे साथ ही प्रदेश में इन बीमारी से मौतों का आंकड़ो 1,102 तक पहुंच गया है। भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया कोरोना पॉजिटिव हो गया है, इनकी जानकारी वना ट्वीट के जरिए दीनी है। गौरतलब है कि सतीश पूनिया काल जोधपुर दौरा माथे है, वना संपर्क में आबा वाला सगड़ा लोगों से कोरोना जांच करावारो आग्रह कीनो है। कोरोना की जांच में तेजी ल्यावारा मकसद से जयपुर रा सवाई मानसिंह अस्पताल में उच्च तकनीकी कोबास मशीन लगाई गई है। एसएमएस मेडिकल कॉलेज रा प्राचार्य डॉक्टर सुधीर भंडारी बतायो कि इन मशीन के जरिए रोजिना 4,000 से बत्ता जांच हो सकेला। एसएमएस मेडिकल कॉलेज बहुत ही अग्रणीय है आरटीपीसीआर कोविड-19 का टेस्टिंग करने में। अभी तक हम लोग 5,000 से अधिक टेस्ट कर रहे थे और हमने 4 पैरल लैब्स बना रखी थी, बट कोबास 880 मशीन आने से हमारी क्षमता बहुत बढ़ गई है। कोबास की ये मशीन वर्ल्ड की वन ऑफ द बेस्ट इक्विपमेंट है, जिससे हमारी क्षमता 4,000 से 5,000 टेस्ट प्रतिदिन करने की बढ़ जाएगी। कोबास में मैन टू मैन ह्यूमन कॉन्टेक्ट बहुत कम होता है, इसीलिए हेल्थ पर्सन्स और डॉक्टर्स और टेक्नीशियन को इन्फेक्शन स्प्रेड होने का भी कोई डर नहीं रहेगा। अलॉन्ग विद कोविड-19 टेस्टिंग, कोबास के द्वारा कई दूसरे वायरसेस वगैरह भी जरूरत पड़ने पर हम टेस्ट कर पाएंगे। सूचना और प्रसारण मंत्रालय का क्षेत्रीय लोक संपर्क ब्यूरो अजमेर कानी सू चलाया जा रहा कोरोना जागरूकता विशेष प्रचार अभियान की शुरुआत अजमेर रा वार्ड नंबर 26 सू करी गई। अजमेर दक्षिण री विधायक अनीता बधेल हरी झंडी दिखार प्रचार वाहन ने रवाना कीनो, इन वाहन रे जरिए लोगा माए कोरोना बाबत जागरूकता ल्यावारो काम करो जावेला। प्रादेशिक लोक संपर्क ब्यूरो कानी सू कोरोना बाबत जागरूकता ल्यावारा मकसद सू उदयपुर माए विशेष अभियान री शुरुआत करी गई है। इन मौके सांसद अर्जुन लाल मीणा हरी झंडी दिखार जागरूकता रथ ने रवाना कीनो, वणा कयो कि केंद्र सरकार कानी सू कोरोना काल में आम लोगों ने राहत दिलावा खातर कई कदम उठाया गया है, जिनरी जानकारी लोगों ने इन रथ रे जरिए दी जावेला। केंद्र और राज्य सरकार री होम आइसोलेशन ने लेर लगातार आ रही नई गाइडलाइंस रे बीच एम्स जोधपुर भी एक शोध कीनो है। इन शोध रे जरिए होम आइसोलेशन ने 17 दिन से बढ़ार 21 दिन करवो जरूरी बतायो गयो है। एम्स जोधपुर रा कम्युनिटी मेडिसिन और फैमिली मेडिसिन महकमारा अधीक्षक डॉक्टर पंकज भारद्वाज और शोधकर्ता डॉक्टर सुमन सौरभ बतायो कि कोरोना से बचवा खातर 3 हफ्ता ताई आइसोलेशन में रहना जरूरी है। जो शोध हुआ है इस कोविड-19 के मरीजों को लेकर, उसमें ये देखा गया कि मुख्यतः दो तरीके के मरीज हैं, एक जिनको हम एसिम्प्टोमैटिक कहते हैं और एक सिम्प्टोमैटिक मरीज कहते हैं। तो जो सिम्प्टोमैटिक मरीज हैं वो तो अस्पताल में भर्ती रहते हैं और जो एसिम्प्टोमैटिक हैं वो घर चले जाते हैं, जिन्हें हम होम आइसोलेशन कहते हैं। तो इस शोध से हमने ये पाया कि ऐसे मरीज जो एसिम्प्टोमैटिक हैं और जो घर पर रह रहे हैं, उनको जो हम गाइडलाइंस कहते हैं कि उन्हें 14 दिन या 2 हफ्ते के लिए रखना चाहिए, या बीच में गवर्नमेंट ने 17 दिन कहा था कि 17 दिन, तो हमने इस शोध में पाया कि उनको 17 दिन के बाद भी ट्रांसमिशन ऑफ डिजीज मिल रही है कुछ मरीजों में। तो इस शोध में हमें पता चला कि 21 दिन या 3 हफ्ते बेहतर होगा यदि हम ऐसे लोगों को कहें कि वो होम आइसोलेशन में रहें,
बनस्पत इसके कि वो 17 दिन के लिए रह गए। जो मरीज कोरोना से ग्रसित पाए जाते हैं और जो जिनमें ज़्यादा सीवियर सिम्टम नहीं होता, ज़्यादा गंभीर जिनमें कोई लक्षण नहीं होता है, वो घर पे अगर 3 हफ्ते तक अगर वो रहें घर पे, कहीं बाहर नहीं जाएं और प्रिकॉशन मेंटेन करें, तो इससे हम लोग कोरोना जो बीमारी है इसको हम लोग कम कर सकते हैं। और अब बगत है एक विराम रो, बाकी रा समाचार इन विराम रे पाछे। कोरोना महामारी के कारण सुस्त पड़ चुकी औद्योगिक गतिविधियों को रफ्तार देने के लिए राजस्थान सरकार ने शुरू किया है राज कौशल पोर्टल। औद्योगिक इकाइयां अपनी जरूरत के अनुसार इस पोर्टल के जरिए कुशल श्रमिकों को अपने यहां काम पर लगा सकती हैं। राज कौशल पोर्टल एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां प्रदेश के श्रमिकों और औद्योगिक इकाइयों का सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस उपलब्ध है। इस पोर्टल पर 53 लाख से ज्यादा श्रमिकों का डेटाबेस है जिन्हें उनके कौशल के आधार पर अलग अलग श्रेणियों में पंजीकृत किया गया है। राजस्थान सरकार की इस महत्वाकांक्षी योजना का मकसद है कोरोना महामारी के चलते बेरोजगार हुए लोगों को रोजगार परक इकाइयों से जोड़ना। जन शक्ति का ये मॉडल दिनों दिन विशाल रूप लेता जा रहा है। अब तक पोर्टल पर पंजीकृत श्रमिकों में से 30 लाख से ज्यादा श्रमिकों की स्किल मैपिंग भी हो चुकी है, यानी 30 लाख श्रमिक रोजगार के लिए पूरी तरह तैयार हैं। तो देर किस बात की, राज कौशल पोर्टल पर आइए और अपनी जरूरत के अनुसार श्रमिकों को काम पर लगाइए। और विराम रह पाछे बाकी रह समाचार। प्रदेश में कोरोना महामारी री रोकथाम खातर लागू राजस्थान एपिडेमिक अध्यादेश रे तहत अबार तई 6,15,000 सु बत्ता लोगा रो चालान कर 9,13,00,000 रुपया सु बत्तो जुर्मानो वसूल कर्यो जा चुक्यो है। महानिदेशक पुलिस अपराध ML लाठर बतायो कि सार्वजनिक ठोरा माथे मास्क नी लगावा माथे 2,41,000 सु बत्ता लोगा रो चालान कर्यो गयो है। वटे प्रदेश में 26,000 सु बत्ता लोगा ने CRPC रा प्रावधान रे तहत शांति भंग रा आरोप में गिरफ्तार कर्यो जा चुक्यो है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत COVID-19 महामारी रे बीच आर्थिक संकट और रोजगार री विषम परिस्थितियां माए संवेदनशीलता दिखाता थका कनिष्ठ लिपिक भर्ती परीक्षा 2018 रा विज्ञापित पदा माए सु खाली पदा माथे भर्ती करबारो फैसलो कीनो है। गहलोत गुरुवार ने मुख्यमंत्री रेवास माथे राखी गई उच्च स्तरीय बैठक में इन बाबत अधिकारियों ने जरूरी दिशा निर्देश दिया। वणा रीट 2018 परीक्षा लेवल 2 रा पात्र अभ्यर्थियों री दूसरी प्रतीक्षा सूची जारी करबारो फैसलो भी कीनो है। जलदाय और ऊर्जा मंत्री डॉक्टर BD कल्ला री अध्यक्षता में बनाई गई मंत्रिमंडलीय उप समिति री बैठक आज शासन सचिवालय में रखी गई। इन बैठक में जन घोषणा पत्र ने लागू करबारी प्रगति बाबत समीक्षा करी गई। बैठक में पहला चरण में स्कूल शिक्षा, सामाजिक न्याय और अधिकारिता, चिकित्सा और स्वास्थ्य, महिला और बाल विकास, तकनीकी शिक्षा और प्रशासनिक सुधार महकमा से जुड़िया मुद्दा री समीक्षा करी गई। खास तौर से मेडिकल एंड हेल्थ, प्रशासनिक सुधार विभाग, सामाजिक न्याय, स्कूली शिक्षा, विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट और हायर एजुकेशन तथा टेक्निकल एजुकेशन डिपार्टमेंट को रिव्यू किया गया। प्रायः प्रायः इन विभागों की काफ़ी योजनाओं को और घोषणा पत्रों, जैसे मेडिकल एंड हेल्थ में 11 टास्क कम्प्लीट कर ली गई है, सामाजिक न्याय में 20 टास्क कंप्लीट कर ली गई हैं, स्कूल एजुकेशन में 6 टास्क कंप्लीट कर ली गई हैं, वेमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट में 4 टास्क पूरी कर ली गई हैं और हायर एजुकेशन में 5 लक्ष्य पूरे कर लिए गए हैं। तो कुल मिलाकर के 141 जो लक्ष्य हैं वो इन विभागों के कंप्लीट हो गए हैं। मुख्य सचिव राजीव स्वरूप री अध्यक्षता में जयपुर सचिवालय में 32वीं स्टेट एम्पावर्ड कमेटी री बैठक रखी गई, जिनमें राज्य में निवेश और रोजगार ने बढ़ावा खातर निवेशक रे साथे चर्चा करी गई। इन मौके मुख्य सचिव कहो कि राज्य सरकार चाहे है कि प्रदेश में 3200 निवेश होवे जिनसु युवाओं ने रोजगार रा मौका मिल सके। शिक्षक दिवस रे मौके बाड़मेर जिलारी गीता सोलंकी ने काल राष्ट्रपति शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित करो जावेला। गीता सोलंकी विपरीत परिस्थितियां माए ग्रामीण क्षेत्र माए टावरा ने पड़ाबा रो हौसलो दिखायो है। आज बनारी स्कूल माए 80 सु बत्ता टावर पड़ रहा है। गीता सोलंकी रा संघर्ष री कहानी काल शिक्षक दिवस रे मौके DD राजस्थान माथे दिखाई जावेला।
भाजपा प्रवक्ता रामलाल शर्मा प्रदेश सरकार माथे निशानो साधता थका कयो है कि राजस्थान में कानून रो राज नहीं रहो है, अब अठे बजरी माफिया में रो राज हो गयो है। वणा कयो कि बजरी माफिया में प्रशासन रो किणी भांत रो डर बाकी नहीं बचो है। दो दिन के अंदर जिस तरीके से राजस्थान के अंदर एक ने अनेकों जिले, उदयपुर जिला, राजसमंद जिला, भीलवाड़ा जिला, भरतपुर के अंदर जिस तरीके के वाक्य हुए, वो वाक्य हम सबको चौंकाने वाले हैं। और इन सब वाक्यों से ये लगता है कि राजस्थान के अंदर कानून की व्यवस्था के आधार पर चलने वाली सरकार रही नहीं, अराजकता के आधार के ऊपर चलने वाली सरकार है और अराजकता को बढ़ावा देने वाली सरकार राजस्थान के अंदर काम कर रही है। बजरी माफियाओं के हौसले बुलंद है, वो आए दिन मारपीट करना, लूटपाट करना, पुलिस के अधिकारियों के ऊपर गाड़ी चढ़ाना, उनके साथ मारपीट करना, उनके ऊपर फायरिंग करना, ये घटनाएं आम हो चुकी है। सहकारिता महकमो प्रदेश काश्तकारा ने रबीरी फसल खातर कर्ज बांटवारी प्रक्रिया शुरू कर दी है। सहकारिता महकमा रजिस्ट्रार मुक्तानंद अग्रवाल बतायो कि काश्तकारा ने रबी फसल खातर 1 सितंबर सु अल्पकालीन फसली कर्ज दियो जावेला। सहकारी बैंक है, उनको उनके द्वारा और जीएसएस के द्वारा फार्मर्स को शॉर्ट टर्म लोन दिया जाता है, अल्पावधि कृषि ऋण दिया जाता है, फसली ऋण। ये खरीफ का जो ऋण है वो अप्रैल से लेके अगस्त तक की अवधि होती है और जो रबी का ऋण है वो 1 सितंबर से लेके 31 मार्च तक की अवधि होती है। इस पूरे वित्तीय वर्ष के लिए 16,000 करोड़ का हमने टारगेट रखा था और जो अभी अप्रैल से लेके और अगस्त तक हमने खरीफ के लोन्स बांटे हैं वो हमने करीब 7,514 करोड़ के लोन्स बांटे हैं करीब 24,73,000 किसानों को, जिसमें से 2,75,000 किसान ऐसे हैं जिनको पहली बार लोन्स मिले हैं करीब 483 करोड़ के। अब जो रबी सीज़न है उसकी लोनिंग 1 सितंबर से शुरू हो चुकी है और 31 मार्च इसकी लास्ट डेट है, तब तक किसानों को चुकाना होगा ये ऋण। इसमें हमने 6,000 करोड़ का टारगेट रखा है और हम ये लक्ष्य रख रहे हैं कि करीब 25 लाख किसानों को हम लोग फिर से लोन वितरण कर सकेंगे। राजस्थान पुलिस की 59 इकाइयों में कांस्टेबल रा 5,400 पदा माथे भर्ती खातर नवंबर रा पहला सप्ताह में परीक्षा रखी जावेला। इन भर्ती खातर लगभग 17.5 लाख दरखास्त आई है। पुलिस महानिदेशक भूपेंद्र सिंह बतायो कि कोविड-19 महामारी रे मद्देनजर परीक्षा री बगत जरूरी सगली सावधानियां बरती जावेला। राजस्थान पुलिस की 59 इकाइयों के लिए 5,438 पदों पर भर्तियां हैं जो काफ़ी समय से ड्यू हैं, विज्ञापन जारी होकर आवेदन प्राप्त हो चुके हैं, 17.5 लाख करीब आवेदन हमें प्राप्त हुए हैं। बट चूँकि कुछ इस कोविड महामारी के चलते कुछ व्यवस्थागत समस्याएं थीं जिन कारण से इसमें देरी हो रही है, अब इसके लिए नवंबर प्रथम सप्ताह 6, 7, 8 तारीख का निर्धारित किया गया है। विस्तृत जो निर्देश हैं वो हमारी वेबसाइट पर, राजस्थान पुलिस की वेबसाइट पर जारी किए जा रहे हैं और सभी प्रत्याशियों को सूचित कर दिया जाएगा। जैसे महामारी को देखते हुए जो विशेष सावधानियां बरतने की आवश्यकता है उनके लिए विस्तृत व्यवस्था की जा रही है, उसके लिए हम सबको सूचित कर दें। और उस पर चूँकि ये महामारी का दौर है तो सारी सावधानियाँ भी बरतनी होंगी, सीटी की व्यवस्था भी उसी हिसाब से की जाएगी, तो बड़ी चुनौती है। लेकिन राज्य पुलिस पहले इस प्रकार की चुनौतियों का सामना करती आई है। सीकर जिला कलेक्टर अविचल चतुर्वेदी की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जिला स्तरीय टास्क फोर्स की बैठक रखी गई। बैठक में भ्रूण हत्या ने रोकवा खातर महकमा कानी सु डिकॉय ऑपरेशन करवा और इनरो दायरो बढ़ावा माथे विचार विमर्श करो गयो। वो अभी इस कोविड काल में करना इतना प्रैक्टिकल नहीं है, इसलिए कैसे डिजिटल माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, अन्य तरीकों से महिलाओं के अधिकारों की बात आगे पहुँचाई जा सकती है, साथ ही साथ वन स्टॉप सेंटर को, महिला शक्ति केंद्र को कैसे और पुख्ता किया जा सकता है ताकि महिलाओं को वहाँ पे आने में कोई दुविधा ना हो। जिले में
एक नवाचार जो हुआ है कि बिटिया के नाम से घर के बाहर नेम प्लेट लगाना, तो ये एक बहुत बड़ा सोशल चेंज आएगा इससे। अभी तक जनरली फादर्स के नाम पे, बेटों के नाम पे नेम प्लेट्स लगती हैं, तो ये नेम प्लेट बिटिया के नाम पे है और इसका शीर्षक है मेरे नाम से मेरा घर। तो ये भी हमारा एक नवाचार है। उसके अलावा जैसे श्रीमान ने बताया कि प्लाज्मा डोनेशन जो है कोविड के मद्देनज़र, उसको भी हाईलाइट किया जाए और ऐसी महिलाओं का सम्मान हम लोग का करने का प्लान है जो इस काम में आगे बढ़ चढ़ करके हिस्सा ले रही। और बाकी रहा समाचार इन विराम रे पछ। महामारी के कारण सुस्त पड़ चुकी औद्योगिक गतिविधियों को रफ्तार देने के लिए राजस्थान सरकार ने शुरू किया है राज कौशल पोर्टल। औद्योगिक इकाइयां अपनी जरूरत के अनुसार इस पोर्टल के जरिए कुशल श्रमिकों को अपने यहां काम पर लगा सकती हैं। राज कौशल पोर्टल एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां प्रदेश के श्रमिकों और औद्योगिक इकाइयों का सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस उपलब्ध है। इस पोर्टल पर 53 लाख से ज्यादा श्रमिकों का डेटाबेस है जिन्हें उनके कौशल के आधार पर अलग अलग श्रेणियों में पंजीकृत गया है। राजस्थान सरकार की इस महत्वाकांक्षी योजना का मकसद है कोरोना महामारी के चलते बेरोजगार हुए लोगों को रोजगार परक इकाइयों से जोड़ना। जन शक्ति का ये मॉडल दिनों दिन विशाल रूप लेता जा रहा है। अब तक पोर्टल पर पंजीकृत श्रमिकों में से 30 लाख से ज्यादा श्रमिकों की स्किल मैपिंग भी हो चुकी है, यानी 30 लाख श्रमिक रोजगार के लिए पूरी तरह तैयार हैं। तो देर किस बात की, राज कौशल पोर्टल पर आइए और अपनी जरूरत के अनुसार श्रमिकों को काम पर लगाइए। पर्यावरण खातर जागरूकता ल्यावाने लेर जयपुर में मदर आर्ट स्कल्पचर लगायो जावेला। एनपीई भारतीय निदेशक लक्ष्मी सक्सेना बतायो कि यह स्कल्पचर अमेरिका रा वैज्ञानिक और मदर अर्थ प्रोजेक्ट रा को फाउंडर बार्टन रूबिस्टन कानिसु भेंट करो गयो है। इन माए पृथ्वी रा रूपा ने बतायो गयो है। वणा बतायो कि दूषित पर्यावरण सु किण बात पृथ्वी ने नुकसान हो रो है, इन लेर आम लोगा माए जागरूकता बढ़ाई जावेला। वॉशिंगटन डीसी से मैरीलैंड बैथेसडा वहाँ से आया हुआ है और वहाँ के जो साइंटिस्ट हैं मिस्टर रूबिंस्टन बार्टन ने इंडिया को प्रेजेंट किया है और इसलिए प्रेजेंट किया है कि ये दिखाना चाहते हैं कि हमारी मदर का क्या रूप था सुंदर और क्या होने जा रहा है यहाँ की पर्यावरण की असुरक्षा के कारण, पर्यावरण खराब होने के कारण। जयपुर को इसलिए चुना कि जयपुर हमारे एक ऐसा ऐतिहासिक सिटी है, शहर है और इसकी जो बिल्डिंग्स हैं, हिस्ट्री है, जितनी भी है वो बहुत अच्छी है। पर्यावरण में भी हमारे यहाँ काफ़ी लोग जागृत हैं और टूरिस्ट भी बहुत आते हैं यहाँ पर, ये देखें कि हमारा देश भी किसी से कम नहीं है। रेलवे का निशु जेईई मेन्स नीट और एनडीए परीक्षा रा परीक्षार्थियों खातर 4 स्पेशल ट्रेन रो शुरू करी जावेला। उत्तर पश्चिम रेलवे रा मुख्य जनसंपर्क अधिकारी अभय शर्मा बतायो कि ये रेलम इन रेला में चालबा वाला विद्यार्थियों ने यात्रा रही वगत कोविड-19 रा सगला नियमा रो पालन करनो वेला, बटा ही परीक्षार्थी इन पहल रो स्वागत कीना है। देश में जेईई नीट एनडीए इस प्रकार के काफ़ी सारे एग्ज़ाम चल रहे हैं, इसी को ध्यान में रखते हुए राजस्थान के जो युवा हैं उनकी सुविधा के लिए रेलवे ने 4 नई स्पेशल ट्रेनों का प्रावधान किया है। यह रेल सेवाएं जयपुर से बीकानेर, जयपुर से उदयपुर प्रतिदिन चलेंगी। दिनांक 4 सितंबर 2020 से लेकर 15 सितंबर 2020 तक इन दोनों ट्रेनों की 12 ट्रिप्स होंगी। केंद्र सरकार ने ये ट्रेन स्टूडेंटों के लिए एग्ज़ाम देने के लिए चलाई है स्पेशली, इसके लिए केंद्र सरकार को धन्यवाद और छात्रों को परेशानी ना हो इसलिए हम ये आगे भी केंद्र सरकार ट्रेन ही चलाए। हम लोग दौसा से आ रहे हैं सर, तो जो जयपुर से जो ट्रेन चल रही है ना एग्ज़ाम एक्सप्रेस, उससे हम वहाँ जा रहे हैं चित्तौड़। हमारे एग्ज़ाम है नीट और जेईई का सर, तो बिल्कुल वैसे सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ध्यान रखा जा रहा है सर, बिल्कुल मतलब कोई भी दिक्कत नहीं है। हनुमानगढ़ जटे परंपरागत रूप से गेहूं कपास और धान की खेती में प्रदेश में अव्वल है, वटे ही काश्तकार अबे बागवानी फसला में भी आपरी रुचि दिखा रहा है। जिनरे चालता अठे बड़ी तादाद में फलारा पेड़ लगाया गया है। रेगिस्तानी खेतर में खजूर रा पौधा से भी काश्तकारा ने बड़ी आमदनी हो रही है। सहायक कृषि निदेशक उद्यान प्रमोद कुमार बतायो कि जिला में परंपरागत खेती रे साथ है बागवानी कानी भी काश्तकारा रो रुझान बढ़वा लग्यो है। खजूर का बाग लगाया, इसमें मैं परंपरागत खेती करता था इससे पहले, जिसमें गेहूं, नरमा, गवार वगैरह, सरसों की फसल हो गई, ऐसी फसलें बोते थे जी। अभी मेरे जी 25 बीघा में खजूर का। चूरू जिला और सेशन कोर्ट परिसर में सू
जिला और सेशन न्यायाधीश बलजीत सिंह गावा में विधिक जानकारी पैदा करवा खातर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कानिसु जागरूकता वाहना ने हरी झंडी दिखा रवाना कीनो। इन वाहना रे जरिए कानून बाबत जानकारी दी जावला। इन रे साथ ही कोविड-19 रे तहत जारी दिशा निर्देशा री पालना करता थका संक्रमण सु बचबारा उपाय रे जानकारी भी लोगा तई पुगाई जावेला। जयपुर में लाला दिना हुई व्यापारी रे साथ लूटरी वारदात रो खुलासो करता थका पुलिस दो आरोपियों ने गिरफ्तार कीनी है। पुलिस उपायुक्त जयपुर पश्चिम प्रदीप मोहन शर्मा बतायो कि भाकरोटा निवासी परिवादी लादू राम कानिसु दर्ज कराई गई रिपोर्ट मुताबिक कार्रवाई करता थका सीकर जिला रा श्री माधोपुर निवासी प्रेम यादव उर्फ जीतू ने गिरफ्तार करो गयो है। हिंदी ने बढ़ावा देवा खातर हिंदी पखवाड़ा रो आयोजन करो जा रो है। जयपुर रा मौसम महकमा में रखा गया हिंदी पखवाड़ा री बगत कई प्रतियोगिता में आयोजित करी जा रही है। मौसम महकमा रा कार्यकारी निदेशक हिमांशु शर्मा बतायो कि हिंदी पखवाड़ा में अधिकारी कर्मचारी री निबंध और वाद विवाद प्रतियोगिता सहित कई कार्यक्रम रखा जा रहा है। हिंदी राजभाषा विभाग के आदेशानुसार हिंदी पखवाड़ा मनाया जाता है। उसी क्रम में मौसम केंद्र जयपुर में दिनांक 1 सितंबर 2020 से 15 सितंबर 2020 तक हिंदी पखवाड़े का आयोजन किया जा रहा है। इसमें हिंदी को बढ़ावा देने के लिए एवं लोगों को प्रोत्साहित करने के लिए कार्यालय के अधिकारियों एवं कर्मचारियों की को प्रतियोगिता में सम्मिलित किया। प्रदेश में मानसून सक्रिय बने हुए है। मौसम महकमा मुजब चूरू झुंझुनू सीकर जयपुर नागौर जैसलमेर बाड़मेर और अजमेर सहित कई जिला में भारी बिरखा होबारी संभावना है। मौसम महकमा रा कार्यकारी निदेशक हिमांशु शर्मा बतायो कि आंकड़ा मुताबिक प्रदेश में सामान्य सौ 9% बत्ता बिरखा दर्ज करी गई है। मौसम महकमा प्रदेश में आवता दो दिन तक चौकी बिरखा होबर याद जताई है। गत 24 घंटों में काफी अच्छी वर्षा दर्ज की गई है, जिसमें हल्के से मध्यम दर्जे की वर्षा अनेक स्थानों पर दर्ज की गई, वहीं कुछ जगह पर भारी वर्षा भी दर्ज की गई है। झुंझुनू के चिड़ावा में 139 mm अत्यधिक भारी वर्षा भी दर्ज की गई। आने वाले आगामी दो दिनों के अंदर राज्य के कुछ भागों में अच्छी वर्षा एवं एक दो स्थानों पर भारी वर्षा भी दर्ज की जा सकती है। और डीडी राजस्थान माथे प्रसारित सगली खबरां थे माका यूट्यूब चैनल राजस्थान डीडी न्यूज माथे देख सको हो। खबरारी ताजा जानकारी खातर माका ट्विटर हैंडल @DDNewsRajasthan ने फॉलो भी कर सको हो। और अब बुलेटिन राखर माई खास समाचार एक बार फेरू। उच्चतम न्यायालय नीट और जेई मुख्य प्रवेश परीक्षा ने मंजूरी देवारा आदेश के खिलाफ दायर पुनर्विचार याचिका ने की नी रद्द। 6 राज्यारा मंत्री दायर की नी ही पुनर्विचार याचिका। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आईपीएस प्रशिक्षु अधिकारियों के साथ कीनो संवाद। 131 प्रशिक्षु आईपीएस अधिकारियों में 28 महिला अधिकारी भी है शामिल। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कनिष्ठ लिपिक भर्ती परीक्षा 2018 रा खाली पदा माथे भर्ती करबारा दिया निर्देश। रीट 2018 परीक्षा लेवल 2 पात्र अभ्यर्थियों री दूसरी प्रतीक्षा सूची जारी करबारो भी लियो गयो फैसलो। जलदाय और ऊर्जा मंत्री डॉक्टर बीडी कल्ला जन घोषणा पत्र ने लागू करबारी प्रगति री कीनी समीक्षा बैठक। बैठक में स्कूल शिक्षा चिकित्सा और स्वास्थ्य सहित कई मुद्दा माथे करी गई चर्चा। और प्रदेश में बिरखारो दौर जारी। मौसम महकमा आवता 24 घंटा में कई जिला में तेज बिरखारी दीनी चेतावनी। राजधानी समाचार पूरा हुआ। नमस्कार।